हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर BMS में। फ्रेंड्स, मैं सुनील। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कारण द्रव्य। ठीक है, मेनली आप शुरू से स्टार्ट कीजिए, जैसे आप द्रव्य को शुरू से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे दो लेक्चर पहले द्रव्य के अपलोड हो चुके हैं, उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था द्रव्य के बारे में, द्रव्य के लक्षण, द्रव्य के भेद, ये सब, और सेकेंड लेक्चर में हमने कार्य द्रव्य को कम्प्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आप इससे पहले उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उन दोनों को देखिए, फिर इसको देखिए। ठीक है, शुरू से मतलब स्टार्ट कीजिए द्रव्य को, हमको कंप्लीट द्रव्य पढ़ना है एक साथ। ठीक है, आज के जो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कारण द्रव्य का वर्गीकरण कैसे हुआ है और फिर आकाश महाभूत। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपका माइंडसेट एक बता दूं कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थोड़ी बहुत द्रव्य के बारे में जानेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, उसके बाद कार्य और कारण द्रव्य क्या है वो जानेंगे, उसके बाद कार्य द्रव्य के वो पढ़ने के लिए आपको पिछले वीडियो है ही अपलोड, और उसके बाद कारण द्रव्य हम आज से पढ़ेंगे। ठीक है, कुल मिला के द्रव्य जो टॉपिक है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, आज से आपको सिर्फ मेरे लेक्चर्स ही सारे देखने हैं और आपको द्रव्य पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है पदार्थ विज्ञान में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, बात आती है द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्य क्या होता है? कुछ नहीं होता, द्रव्य का अर्थ इतना सा ही है कि द्रव्य मतलब गति, यानी कि द्रव्य में हमेशा गति होती है। ठीक है, यानी कि मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद इसकी व्युत्पत्ति देखी थी, ध्रुवगतो धातु और यत प्रत्यय से मिलकर यह बना है। ठीक है, इसको आप जैसे फर्स्ट वीडियो जब आप मेरी देखोगे उसमें यह सब बता रखा है मैंने, अभी आप रिविजन कर रहे हो फटाफट से। ठीक है, उसके बाद आप इसकी निरुक्ति लिख देना, द्रवति गच्छति परिणाम इति द्रव्यम, मतलब वह पदार्थ जो प्रवाहित, यानी द्रवति गच्छति मतलब होता है कि प्रवाहित होना। ठीक है, तो वह पदार्थ जो प्रवाहित होता है, जिसमें गति होती है और जो परिणाम को प्राप्त होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप द्रव्य का लक्षण लिख सकते हैं। द्रव्य का लक्षण क्या होता है? यत्राश्रिता कर्म गुणा कारण समवादी यत तद द्रव्यम। ठीक है, ये होता है कारण, मतलब द्रव्य का लक्षण। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जहाँ कर्म व गुण, ठीक है, यत्राश्रिता मतलब जहाँ कर्म व गुण, यत्राश्रिता मतलब आश्रित होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका समवाय संबंध होता है, तो उसे हम द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो द्रव्य के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता लग गया कि द्रव्य की निरुक्ति क्या है, द्रव्य की व्युत्पत्ति क्या है, द्रव्य के लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो इतना रिवीजन हमने कर लिया। अब हम देखने वाले हैं द्रव्य के भेद। ठीक है, द्रव्य को कैसे, मतलब द्रव्य के क्या क्या भेद होते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है कारण द्रव्य और दूसरा पार्ट है कार्य द्रव्य। ठीक है, अब कारण द्रव्य को तो हम आज से पढ़ने वाले हैं, कार्य द्रव्य को हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ रिवीजन के लिए, फटाफट से हो जाएगा और आपको दोबारा से याद आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य दो में डिवाइड किया। कार्य द्रव्य को हम दोबारा डिवाइड करते हैं चेतन और अचेतन में। ठीक है, चेतन मतलब क्या हुआ? जिनमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, और अचेतन वो होते हैं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद हमने चेतन को दोबारा से डिवाइड किया दो पार्ट्स में, अंतश्चेतन और बाह्यांतश्चेतन। ठीक है, या फिर इसे बाह्यांतर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अंतश्चेतन को हमने चार भाग में डिवाइड किया है, कौन कौन से? वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। और जो बाह्यांतर होता है, सॉरी यहाँ एरो नहीं लगाया मैंने, बाह्यांतर को भी हमने चार भाग में डिवाइड किया है, फर्स्ट जरायुज, सेकेंड अंडज, थर्ड स्वेदज और फोर्थ उद्भिज। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कारण द्रव्य को डिवाइड किया है। ठीक है, कारण द्रव्य को हमने किस किस में डिवाइड किया है? चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कारण द्रव्य? फर्स्ट होता है पंचमहाभूत, यानी कि पंचमहाभूत तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सेकंड हो गया आत्मा, थर्ड हो गया मन, फोर्थ हो गया काल और फिफ्थ हो गया दिशा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे कारण द्रव्य नौ होते हैं। कैसे? पंचमहाभूत हो गए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पाँच महाभूत हो गए। फिर आत्मा छः, मन सात, काल आठ और दिशा नौ, यानी कि कुल मिला के हमारे कारण द्रव्य नौ होते हैं। इनमें से एक आना ही आना है, गारंटी आता है। ठीक है, हर बार आता है, एक महाभूत आएगा और एक आत्मा मन काल दिशा में से कुछ दे सकता है, या फिर इन पांचों में से कोई एक चीज़ दे देगा पेपर में। ठीक है, वैसे बहुत आसान है, सिंपल लैंग्वेज और सिंपल हम जो नोट्स हैं उनके थ्रू पढ़ने वाले हैं, और मैंने कम से कम बनाया। वैसे आपको अगर ये कम लगता है तो आप इसमें और ऐड कर लेना अपनी तरफ से, ठीक है, ताकि लंबा हो जाए, लेकिन अगर इतना भी आपको याद कर लोगे तो बहुत है। ठीक है,
तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पंच महाभूत में आकाश महाभूत को आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक एक करके पांचों महाभूत को पढ़ेंगे, उसके बाद आत्मा पढ़ेंगे, फिर मन पढ़ेंगे, फिर काल पढ़ेंगे और फिर दिशा। इस तरीके से कारण द्रव्य खत्म हो जाएगा। कार्य द्रव्य को हमने इससे सेकंड वीडियो में पढ़ लिया था और द्रव्य के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आज हम एक ही महाभूत पढ़ेंगे, लेकिन अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे दो महाभूत खत्म कर दें और तीसरी वीडियो में हम कंप्लीट महाभूत खत्म कर दें। उसके बाद आत्मा मन एक लेक्चर में और काल और दिशा एक लेक्चर में, इतने लेक्चर्स में हम कारण द्रव्य को ख़त्म कर, मतलब टोटल द्रव्य ही ख़त्म हो जाएगा फिर तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आकाश महाभूत, ठीक है। आकाश महाभूत क्या होता है? सबसे पहले आकाश महाभूत की हम उत्पत्ति लिखेंगे कि आकाश महाभूत किससे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आकाश महाभूत जो होता है वो शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे हमें हर महाभूत का एक मैं आपको चार्ट बता दूंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो उसकी फ़ोटो मैंने PDF में डाली नहीं है, नेक्स्ट जब महाभूत पढ़ेंगे तो उसकी PDF मैं आपको डाल दूंगा। उसमें आपको इकट्ठे ही पांचों महाभूतों के गुण, कारण द्रव्य कौन से होते हैं, मानसिक गुण कौन कौन से होते हैं, ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप याद रखिए आकाश महाभूत की सबसे पहले हमें याद करनी है उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आकाश महाभूत की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से हुई है, वायु महाभूत की स्पर्श तन्मात्रा से हुई है, अग्नि महाभूत की रूप तन्मात्रा से हुई है, जल महाभूत की रस तन्मात्रा से हुई है और पृथ्वी महाभूत की गंध तन्मात्रा से हुई है, ठीक है। इस तरीके से पांचों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद भूत आदि के सृष्टि क्रम में सबसे पहले आकाश महाभूत उत्पन्न हुआ, यानी कि जब पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे थे तो उनमें सबसे पहला जो महाभूत उत्पन्न हुआ था वो आकाश महाभूत था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि आकाश महाभूत वाहक के रूप में किस तरीके से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब मैंने पॉइंट्स में बनाया है, अगर आपको जैसे आकाश महाभूत एक, मतलब इसमें क्या होता है, देखो महाभूतों में जल्दी इसलिए याद नहीं होता क्योंकि समझ नहीं आता कि एक टॉपिक हो गया अब अगला टॉपिक क्या होगा इसमें और इसके बारे में क्या बोलना है, इसलिए याद नहीं रहता। तो इसे मैंने इसको पॉइंट्स में बात कर दी, मतलब बांट दिया। जैसे आकाश महाभूत की हमें एक तो उत्पत्ति याद रखनी है, दूसरा इसके वाहक के रूप में क्या वैल्यू है वो याद रखनी है, तीसरा आश्रय स्थान के रूप में इसकी क्या वैल्यू है वो याद रखनी है, उसके बाद इसकी परिभाषा, आप परिभाषा पहले लिखना, यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा है। कुल मिला के चौथा पॉइंट हो गई परिभाषा, पांचवा पॉइंट हमें आकाश महाभूत के लक्षण याद रखने हैं और छठा पॉइंट हमें आकाश महाभूत के गुण याद रखने हैं, ठीक है। और सातवें में हमें इसके भेद याद रखने हैं, यानी आप ये सात पॉइंट्स याद रखना और फिर एक एक करके सबको डिटेल कर देना, आपका आकाश महाभूत कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे याद करने में आसानी होगी, ठीक है। इसमें मैंने ऊपर नीचे बताया हुआ है आपको कैसे करना है। सबसे पहले जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपको उत्पत्ति लिखनी होगी, फिर उसके बाद आप लिखना आश्रय स्थान के रूप में, ये मत लिखना परिभाषा, ठीक है। उत्पत्ति देन परिभाषा, चाहे परिभाषा फिर उत्पत्ति, फिर उसके लक्षण, फिर आकाश के गुण, और उसके बाद आप लिखना वाहक के रूप में, और उसके बाद आश्रय स्थान के रूप में, और उसके बाद आप लिख देना इसके भेद। इतना करने के बाद आपका आकाश महाभूत कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उत्पत्ति हमने देख ली, अब वाहक के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश, आकर्षण शक्ति, बिजली आकाश के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। मतलब जो सूर्य का प्रकाश होता है और आकर्षण शक्ति होती है या फिर बिजली जो होती है वो आकाश के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। यदि आकाश महाभूत ना हो तो क्या होगा? तो आकाश महाभूत अगर नहीं होगा तो वाहक का अभाव हो जाएगा। वाहक के अभाव की वजह से क्या होगा? भावों और द्रव्यों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना असंभव हो जाता है, ठीक। कुल मिला के जो इस पूरी संसार जो है उसको द्रव्यों से ही बना है, पूरे संसार में द्रव्य हैं और भाव ही हैं, तो ये सब एक दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? आकाश महाभूत के द्वारा। अगर आकाश महाभूत नहीं होंगे तो ये द्रव्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। ये था इसका मतलब। इसके बाद आश्रय स्थान के रूप में क्या अर्थ है? आश्रय स्थान के रूप में अर्थ का मतलब है कि आकाश से ही इस समस्त संसार के सभी स्थावर व जागम पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। यानी कि इस संसार में जितने भी पदार्थ उत्पन्न हुए हैं वो सब किससे हुए हैं? आकाश महाभूत से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। भौतिक सृष्टि का विकास आकाश पर ही आधारित है, यानी कि अगर आकाश महाभूत है तभी भौतिक सृष्टि बनेगी। क्यों? क्योंकि तभी द्रव्य एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, फिर वो एक नया कुछ उत्पन्न करेंगे, जब एक ही जगह पर रह जाएंगे तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अतः वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति में यही प्रधान कारण है, ये आप याद रखना, ठीक है। यानी कि जो बाकी के चार महाभूत हैं उनकी उत्पत्ति भी क्यों हुई, मतलब किससे हुई? आकाश महाभूत, यानी आकाश महाभूत के उत्पन्न होने के बाद ही ये चार उत्पन्न होंगे। अगर आकाश महाभूत उत्पन्न नहीं होता तो ये भी उत्पन्न ना होते, ठीक है। इस सृष्टि के सभी द्रव्य अथवा पदार्थ आकाश से ही उत्पन्न हुए हैं और अंत में आकाश में ही लीन हो जाते हैं।
इसलिए आकाश सभी पदार्थों में श्रेष्ठ है, इसलिए सभी भूतों का आश्रय है। ठीक, यहाँ पे सबसे आसान कर दिया ना लैंग्वेज में, तो कितनी आसान लैंग्वेज है। एक बार शुरू से इसको फटाफट पढ़ते हैं। समस्त संसार के सभी स्थावर व जागम पदार्थ आकाश महाभूत से उत्पन्न हुए। भौतिक सृष्टि का विकास भी आधार मतलब भौतिक सृष्टि का विकास भी आकाश महाभूत पर आधारित है। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनकी उत्पत्ति में जो प्रधान कारण है वो आकाश महाभूत है। ठीक है, इस सृष्टि के सभी जो पदार्थ हैं या द्रव्य हैं वो आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही जाके लीन हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आकाश सभी पदार्थों में श्रेष्ठ है और सभी भूतों का आश्रय। मतलब क्या हुआ कि जो अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी हैं, इनका आश्रय कौन है? आकाश। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आश्रय स्थान के रूप में। इसके बाद देखते हैं परिभाषा क्या है आकाश महाभूत की। तो जिस द्रव्य में शब्द गुण समवाय संबंध से रहता है उसे आकाश कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव्य में, जिस भी द्रव्य में शब्द और गुण समवाय संबंध से रहता है उसे आकाश महाभूत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आकाश के लक्षण। तो आकाश के लक्षण क्या होते हैं? महाभूतों में क्रमशः सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति हुई थी, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, और आकाश का गुण कौन सा होगा? तो सत्व बहुलम आकाशम, यानी कि जो आकाश होता है वो सत्व गुण प्रधान होता है। ठीक है, इसमें सत्व गुण की सबसे ज़्यादा प्रधानता होती है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आकाश महाभूत के गुण। तो आकाश महाभूत के शब्द, संख्या, परिमाण, संयोग, विभाग, पृथकत्व आदि छह गुण माने जाते हैं। ठीक है, तो आकाश के आपको ये छह गुण याद करने हैं। ठीक है, अब गुण को याद करने का तो मैंने कोई ट्रिक बनाई नहीं है, तो ये आप ऐसे याद कर लेना या फिर अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, आकाश के प्रधानता से निर्मित इंद्रिय कर्णेन्द्रिय है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ना कि अगले लेक्चर में मैं आपको एक दे दूंगा पूरा, मतलब एक चार्ट सा, उसके अंदर आपको इनकी उत्पत्ति और इनके मतलब कौन कौन इंद्रिय किस किस महाभूत से उत्पन्न होती हैं ये सब उसमें है। ठीक है, तो ये इंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है और ये कर्णेन्द्रिय होती है और ये किसकी प्रधानता से बनती है? आकाश महाभूत के प्रधानता से बनती है। इसके बाद देखेंगे आकाश के भेद क्या होते हैं। ठीक है, आकाश महाभूत के क्या भेद हैं? यद्यपि आकाश नित्य होता है, यानी कि वैसे तो आकाश नित्य है, उसका कोई भेद है ही नहीं, लेकिन ठीक है, इसलिए इसके भेद नहीं किया जा सकता, जाहिर सी बात है नित्य है तो। लेकिन कुछ विद्वान लिखते हैं कि अन्य महाभूतों की तरह आकाश में कार्य रूप में अनित्य है। मतलब वैसे तो आकाश महाभूत नित्य है, लेकिन जो उसका कार्य है उनके बेसिस पर वह अनित्य है। ठीक है, अनित्य के दो भेद किए गए हैं, इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक। मतलब वही, ठीक है, जैसे ये आकाश महाभूत का कार्य ही तो हो गया इंद्रिय संज्ञक और विषय संज्ञक, मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना, और विषय संज्ञक मतलब सभी प्रकार के विषयों को ग्रहण करना। ठीक है, तो ये इसका कार्य हो गया। तो कार्य के हिसाब से तो दो में डिवाइड हो गया ना, एक तो इंद्रिय संज्ञक हो गया जो कि इंद्रियों के द्वारा, और एक हो गया विषय संज्ञक जो कि विषय को ग्रहण करने की वजह से डिवाइड हुआ। तो यानी कि आकाश महाभूत के दो भेद बताए गए हैं कुल मिला के, एक इंद्रिय संज्ञक एक विषय संज्ञक। इंद्रिय संज्ञक में घ्राण इंद्रिय आती है, क्योंकि इससे घ्राण इंद्रिया जो होता है मतलब घ्राण इंद्रिय का मतलब हो गया नाक। ठीक है, तो ये जो बना है आकाश महाभूत से बना है, तो इस तरीके से इंद्रिय संज्ञक हो गया और ये सभी प्रकार के शब्दों को ग्रहण करता है, यानी कि विषयों को ग्रहण करता है, इसलिए इसे विषय संज्ञक कह दिया। और आकाश महाभूत वैसे तो नित्य है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको कार्य के मतलब कार्य के अनुसार या इसके जो विषय होते हैं ग्रहण करने के अनुसार, ठीक है, इसे अनित्य माना है। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा ख़त्म आकाश महाभूत। फ्रेंड्स, लेक्चर कैसा लगा? अगर आपको अच्छे से आकाश महाभूत और कारण द्रव्य समझ आया और आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लेक्चर लगा। अगर अच्छा लगा, समझ में आ गया, तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और अपना प्यार हमारे ऊपर ऐसी बनाए रखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। मैंने ये PDF वर्जन इसलिए भी स्टार्ट करा है, पहले मैं वैसे पढ़ाता था लेकिन अब PDF से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि इससे नोट्स बन जाते हैं। आप लोग मेरे को फिर नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर मैं नोट्स प्रोवाइड नहीं करा पाता था, इसलिए मैंने PDF वाला सिस्टम कर लिया कि इससे क्या होगा, मैं पढ़ा भी दूंगा आपको और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो ये PDF मैं आपको अपलोड मतलब हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगले महाभूतों को। ठीक है, आकाश पढ़ लिया है, वायु महाभूत अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं फिर, लाइक कीजिए फटाफट और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, बाय।